जब आप सुनेंगे अगर आपने सुने तो ये पार्टी और फंक्शन की शान होने वाले हैं क्या हमेशा तो मैं सबको ये बोलता हूँ वो एक अपने आप यूनिवर्सिटी है उनसे भी इतना सीखने को मिलता है आई एम मलिका एंड हैव द कास्ट ऑफ तोबा तेरा जलवा नाइस टू सी यू थैंक हाय मलिका फर्स्टली मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन मूवी इज जस्ट द दॉनर इट्स टू मोरो आई वॉच दट कैसा फील हो रहा है आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और बहुत ज़्यादा खुश हैं हम लोग कि हमारी तो, 2024 में पहले हफ्ते में फिल्म आ रही है और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसके लिए और अभी भी कर रहे हैं उसकी प्रमोशन के लिए भी और बहुत ज़्यादा खुश है हम तो, है हम बहुत हैं हम लोग All right, How are you feeling आरिंग i am so excited because 2024 ki ट्वेंटी फोर की फर्स्ट uh, फिल्म है and of course, if a year begins with a bang, तो पूरा साल ही अच्छा जाता है और मुझे लगता है, है बहुत ही अच्छा होगा response बहुत अच्छा आएगा क्योंकि बहुत ही different topics को uh, you, uh, use किया गया है रोम hmm. कॉम है फनी है थ्रिलर uh, है एक्शन है सारा बॉलीवुड मसाला है so it's gonna be fun. ओके सो जतन आई वॉज रीडिंग अबाउट द मूवी एंड आई गॉट टू नो कि आप लोगों ने शूटिंग दो हज़ार बीस में शुरू करी एंड कोविड स्ट्रक लाइक पैंडमिक स्ट्रक थिंग्स वेट अप एंड डाउन एंड एवरी थिंग इट वॉज वेरी हार्ड फॉर एवरीबडी टू जस्ट कोप अप सो हाउ हैज़ बीन द जर्नी लाइक पोस्ट वर्किंग द पोस्ट द कोविड हाउ हैज़ बीन द जर्नी वर्किंग कैसा रहा कितनी स्ट्रगल्स फेस किए कितनी डिफिकल्टीज रही स्ट्रगल तो कुछ ऐसा नहीं था जो कोविड का टाइम था वो सभी के लिए एक बैड टाइम था और उसी दौरान हमारी फिल्म जो थोड़ा सा डिले हुई वो कोविड की वजह से डिले हुई और हम लोग वैसे ऑलमोस्ट सारी शूटिंग खत्म कर चुके थे जो थोड़ा सा पोस्ट प्रोडक्शन का काम था वो बाकी रह गया था तो वो हम लोगों ने आफ्टर कोविड पूरा किया और हम लोग एक बेस्ट डेट और एक बेस्ट टाइम का वेट कर रहे थे जो कि हमें लगा ये बेस्ट टाइम है और बहुत अच्छे से हमारी फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन से एडिट होकर और सब कुछ होके आई है सो एंजला वाइल्ड वॉचिंग द ट्रेलर आई कुड रिलेट दैट यू नो योर रोल जैसे आपने यू नो यू पोर्ट्रेट इट वेरी ग्रेसफुली एंड एवरी थिंग इट वॉज़ वेरी नाइस तो वट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंट्रीगिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द स्क्रिप्ट यू रियली लाइक देंड हाउ वेल डिड यू लाइक

उन, उनकी लाइफ रिवॉल्व होती है रोमित आगे के वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बाय द रोमांस थ्रिलर एंड हाउ कैन वी जस्ट नॉट टॉक अबाउट लव एंड रोमांस इट्स लाइक एविडेंट ओवर देअ सिंस जेंजी लाइक यू नो द ऑफ जेंजी इज गोइंग ऑन एंड फॉर दैम रिलेशनशिप लाइक मेंटेनिंग रिलेशनशिप इज लाइक अ पीस ऑफ केक आई यू ब्रेक इट आई दू मेक इट इट्स मोर लाइक दैट आई वॉन्टेड टू आस्क यू बोथ कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि एक एसेंस ऑफ द रिलेशनशिप्स विच यूज़ टू बी अर्लियर वो कहीं ना कहीं खो रहा है मतलब इट्स लाइक पीपल आर नॉट वैल्यूइंग द रिलेशनशिप एज मच एज दे शुड हैव बीन आई थिंक ये सब जो चीज़ें आप पूछ रही हैं सब हमें हमारे घर से हमारे परिवार से मिलता है जिस घर में अच्छे संस्कार है और जिस घर में अच्छे से रिस्पेक्ट की जाती है एक दूसरे को वो लोग रिलेशन को भी रिस्पेक्ट करते हैं और वो किसी का मन दुखाते नहीं है मुझे लगता है ये फैमिली से आता है जब आपकी फैमिली में आपको सब सिखाया जाता है कि आप सबको रिस्पेक्ट करें और सबको इज्जत दें और कोई जो बाहर से आए या जिसके साथ भी आप रिश्ता जोड़ रहे हैं उसके साथ

ऑप्शन ये नहीं कि पहले कम थी पहले डर होता था पहले लोगों में डर होता था कि कोई देख लेगा या कोई आज कल ठीक ओके ठीक है चल फिर दो तीन तो सब शादी कर ही रहे हैं आराम से क्या फर्क पड़ता है तो तेरा जलवा टू देयर स्क्रीन ऑल द डायलॉग्स आर सुपर सुपरली रिटन बाय आकाश आदित्य आर डायरेक्टर ऑल्सो और हमारे ये जो दो गाने हैं ये बहुत ही कमाल हैं जब आप सुनेंगे अगर आपने सुने तो ये पार्टी और फंक्शन की शान होने वाले हैं और जैसा कि मैंने आपको कहा कि सबके पास एक इस तरह के डायलॉग है जो एक बार सुनेगा ना वो उसको दोहराएगा जैसे शोले के डायलॉग डायलॉग दोहराते हैं है, या कभी कोई सलमान की फिल्म आ जाती है उसके लोगों को याद रह जाते हैं मुझे लगता है हमारी फिल्म के जो हम लोगों ने गाने किए हैं तो दोनों ही लड़कियां बहुत सुंदर बहुत कोऑपरेटिव बहुत हार्ड वर्किंग है व्हाट वाज योर फैन मोमेंट देयर विद अमीशा एक्चुअली क्या अमीशा तो मैं सबको यही बोलता हूं वो एक अपने आप में यूनिवर्सिटी है उनसे भी इतना सीखने को मिलता है और कई सीन इस तरह के थे जो हर किसी के साथ आप नहीं नॉर्मल कर सकते और वो एक बहुत बड़ी स्टार है yeah. और मेरे लिए उनके साथ काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है लेकिन उन्होंने एक सेकंड भी मुझे कभी फील कराया नहीं कि मैं या या वो वो एक बहुत बहुत पुरानी आर्टिस्ट आर्टिस्ट है और बड़ी चाहे हमारे इंटीमेट उन्होंने कंफर्टेबल ज़ोन में रखा मुझे हमेशा तो आप लोगों ने कभी सेट पे ऐसे फन बैंटर्स एक्सपीरियंस किए हो के साथ या, नहीं उनको प्रैंक करने के तो किया हम आपस में बहुत आई थिंक बहुत सारे मोमेंट्स क्योंकि ये मूवी एज इट इज़ मैंने जैसे बोला कि ये कॉमेडी भी है थ्रिलर भी एक्शन भी है सब कुछ है तो आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा एक्शन सीक्वेंस करते में आया जो एंड के अंदर हाँ, हमने बहुत बहुत रैश ड्राइविंग की, 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 की है बहुत मज़े किए हैं अमीशा पटेल भी मेरे साइड में थी एंड काफ़ी हमने बहुत मज़े किए हैं वाइल्ड शूटिंग एक्शन दैट्स रियली नाइस And uh, hoping to see you guys on the screen, and all the very best for the release. Thank you so much. Thank you.